बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज का वीलॉग आपके लिए है। और आज हम जा रहे हैं एक जगह पे, आपको दिखाते हैं कि हम किस जगह पे जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तो लेट्स सी जी, चलते हैं। आप अपनी गाड़ी निकालते हैं गैरेज से। ये हमारा गैरेज है, गाड़ी पार्क है और ये देख सकते हैं बाइक भी अपना साथ ही पार्क है माशाल्लाह। तो लेट्स सी, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं फिर। लें जी, चलते हैं फाइनली। फिर हम आपको एक जगह पे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ले जी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब हम गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे साथ ही आज मेहमान भी हैं, ये बासित भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं, 8-9 साल पुराने दोस्त हैं। तो ये भी हमारे साथ चलेंगे। चलें अब अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह, और आपको दिखाते हैं कि कैसा सब सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। लें दोस्तों, हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, रवा दवा हैं। और पर्थ में इस टाइम गर्मी टिका के है, और इस टाइम जो आपको फील हो रहा है कि वेदर बहुत अच्छा है, बट ये जस्ट आपको कैमरा में लग रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चक्कर आने लग गए अब। तो अब हम इंशाल्लाह यहाँ से हाईवे पे जाएंगे और फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप ट्रैफिक, इस टाइम फुल पीक पे ट्रैफिक चल रही है। अच्छा, बीच में यहाँ पर इन कंट्रीज़ की सबसे खूबसूरती है कि यहाँ पे रोड वर्क होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। हम ये देख रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक कोन्स लगाई हुई है, बीच में इन्होंने रोड बनाई है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ साथ काम भी करना है, तो उन्होंने ट्रैफिक कोन्स रख के बीच में एक साइड पे काम कंटिन्यू किया हुआ है, दूसरी साइड पे ट्रैफिक चल रही है। तो इस तरह यहाँ पे काम होता है। एनीवेज आपको बताते चलेंगे, हम जा रहे हैं इस टाइम कार शॉपिंग पे, एक कार खरीदनी है हमने, तो हम डीलरशिप पे जा रहे हैं और आज आपको दिखाएंगे यहाँ पे कार कैसे खरीदते हैं, रहा नहीं जाता, और कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं और कैसी चीजें यहाँ पे वर्कआउट करती हैं, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। जी गाइस, इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि इस टाइम पीक टाइम ट्रैफिक है, और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे अभी हर बंदा ऑफिस से वापस जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक रूल बताता चलूंगा, ऑस्ट्रेलिया का रूल है कि जैसे अभी आप अगली गाड़ी देख रहे हैं ग्रे वाली, इससे मैंने एक डिस्टेंस रखा हुआ है। नॉर्मली हमारी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, हम गाड़ी में बम्पर से बम्पर जोड़ के रखते हैं ताकि हम जल्दी जा सकें, हम जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, आपको एक स्पेस रखना पड़ता है अगले गाड़ी से, कम अज कम एक गाड़ी का डिफरेंस। वाह क्या सीन है। ले जी, आज हम कार शॉपिंग के लिए पहुंच गए हैं ये टोयोटा की डीलरशिप के ऊपर, और यहाँ पे भी हमने गाड़ी देखनी है इंशाल्लाह। और इसी डीलरशिप से मैंने भी 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी को, 1.5 साल हुआ मैंने बाय की थी। तो यहाँ पे अब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे, सेल्समैन से बात करेंगे कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए और कौन से ऑप्शन हमें दिखाएगा। लें जी, गाड़ी पार्क करते हैं अपनी यहाँ पे। लें जी, हम टोयोटा की डीलरशिप पे पहुँच गए हैं इस टाइम, और आप ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे होता है कि टोयोटा की डीलरशिप के ऊपर टोयोटा की गाड़ियाँ नहीं होंगी, काफ़ी सारी ब्रांड्स खड़े होंगे, हर ब्रांड ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे, देखते हैं अब एक्सप्लोर करते हैं। जी दोस्तों, तो ऐसा यहाँ पर ये देखें सेल्समैन का बना होता है, यहाँ पर आपने आके बैठना है, इनको बताना है अपनी रिक्वायरमेंट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्कड हैं। जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं नॉर्मली वो उन्होंने यहाँ पे अंदर पार्क की होती हैं, या जिनकी डिलीवरी नज़दीक होती है उनको साफ़ करके यहाँ पर खड़ा करते हैं। तो अब हमने इसको बता दी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ऑप्शन सर्च आउट करके बताएगा हमें, और देन हम देखते हैं आपको बताते हैं कि कैसे वर्कआउट करता है सब कुछ। जी हाँ, ये इसमें सर आप अपनी गाड़ी भी बिल्ड कर सकते हैं खुद ही अगर आप चाहते हैं बिल्ड करना, तो यहाँ से आप सारी गाड़ियों के ऑप्शन चेक करें, जैसे बिल्ड योर न्यू टोयोटा हेयर, तो ये इसमें यहाँ पे सारी गाड़ियों के ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ से आप कौन सी चूज़ करना चाहते हैं। अच्छी चीज़ है, अनदर न्यू थिंग। आए जी, आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं यहाँ पे, प्यारी प्यारी ये खड़ी हुई है BMW M2, प्यारी गाड़ी है, मुझे पसंद है ये भी। और सबसे अच्छी गाड़ी जो यहाँ पर मुझे पसंद आई थी, ये भी अच्छी गाड़ी है वैसे बासित भाई, मर्सिडीज़ आप देख सकते हो, लेकिन यार ये ज़्यादा देर मुझे नहीं है, हाँ चलती नहीं है ये, बड़ी नाजुक गाड़ियाँ हैं, रगड़ा नहीं खाती है। कैमरी SL खड़ी है रेड कलर में और बड़ी प्यारी गाड़ी है। हाँ ये देखें जी, सिविक है जी, सिविक टाइप आर, सिविक का इंटीरियर देखते हैं, अगर ये गाड़ी अनलॉक्ड है तो नहीं, गाड़ी लॉक्ड है, कीज़ लेके आनी पड़ेगी अंदर से नहीं। चलें जी, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ जो गाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी गाड़ी वही है। ये देखें जी, ये है GT मस्टैंग GT, और मुझे ये बहुत पसंद है गाड़ी, इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट कार यही है। और 5.0, और इसके अंदर से इंटीरियर आपको अभी दिखा नहीं सका मैं, लेकिन बहुत प्यारी गाड़ी है, ये बहुत प्यारी गाड़ी है।
कन्वर्टेबल है, आई पर्सनली लाइक इट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ये गाड़ी बाय करेंगे। नहीं दोस्तों, हमने जो कार पसंद की है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आपको अलाउ है, आप गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है इंश्योरेंस का, और इंश्योरेंस का फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये गाड़ी दे देते हैं। ये वासिफ भाई गाड़ी ले चुके हैं चाबी, और ये जनाब हम देख रहे हैं RAV4। हाँ जी, आपको RAV4 दिखाते हैं। ये RAV4 टॉप ऑफ द लाइन क्रूजर मॉडल है, और वासिफ भाई बेसिकली ये ट्राई करने लगे हैं। आप देखें इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी लगती है ये इंटीरियर से। लेट्स गो फॉर टेस्ट ड्राइव। पुश स्टार्ट है जी, और इंटर बहुत अच्छा है, डिस्प्ले इसका अच्छा है। वासिफ भाई क्या ख्याल है? डिस्प्ले इसका अच्छा है बड़ा यार, और स्क्रीन भी इसके सामने अच्छी लगी हुई है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है इसके अंदर। वाओ इट्स गुड, ये तो टेस्ला जैसी स्क्रीन लग रही है मुझे यार, थोड़ी सी लुक आ रही है। हाँ थोड़ी सी टेस्ला जैसी लुक आ रही है। चलें वासिफ भाई ट्राई करें, फिर आप इसको चलाएं, बताएं कैसी लगती है आपको। बिस्मिल्लाह जी, वासिफ भाई ट्राई कर रहे हैं गाड़ी, और वासिफ भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी की राइड। ये हंस रहे हैं हल्का ठस, कह रहे हैं कि जी ये बड़ी पावरफुल गाड़ी है। बेसिकली ये CHR पसंद कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि RAV4 भी ट्राई करते हैं। क्यों वासिफ भाई? यार CHR से तो अच्छी लग रही है, ये पिक भी अच्छी है। हाँ पिक अच्छी है, 2.5 इंजन है इसका। मुझे जो इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज पसंद आई है वो ये इसका इंटीरियर और इसका केबिन बहुत अच्छा है, मतलब और काफी मतलब बड़ी गाड़ी लग रही है, स्पेशियस है ये, और AC भी इसका, मतलब AC तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। हमारे जहन में तो मेहरान वाला AC आ रहा था, लेकिन ये है कि मेहरान वाला AC नहीं। अच्छा इसमें जो मज़े की चीज़ मुझे लगी है वो इसमें एक और है कि इसमें सनरूफ भी है। मुझे नहीं लगता कि ये बेस वेरिएंट में नहीं होगा। नहीं बेस वेरिएंट में इसके सनरूफ नहीं होगा। और अच्छा टोयोटा में एक और फीचर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, आपको दिखाता हूँ, वो ये है। ये देख रहे हैं आप SOS। अच्छा यहाँ पे अगर आप ये SOS का बटन दबा देंगे एमरजेंसी का, तो टोयोटा का एमरजेंसी मोड ऑन हो जाएगा, और टोयोटा की बेसिकली कॉल सेंटर्स में आपकी गाड़ी की लोकेशन चली जाएगी, जो कि टोयोटा जो है वो आपकी देन आपको फ़ोन करेगा, और फ़ोन उसका इस तरह होगा कि आपकी यहाँ पे गाड़ी के स्पीकर्स ऑन हो जाएंगे, और उसमें आप वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। मैंने अपनी कैमरे के अंदर एक दो दफ़ा किया कि मैंने गलती से दबा के देखा कि गलती से तो नहीं जानबूझ के दबाया, देखा कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, और वो विद इन सेकेंड्स उनका रिस्पॉन्स टाइम है, और वो बताते हैं आपको कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आप बताएं हम आपके लिए इमरजेंसी क्या हुई है, आपको किस किस्म की इमरजेंसी, एम्बुलेंस भेजें, पुलिस भेजें। तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम है ये SOS का, और प्रॉपरली इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसमें आपकी लोकेशन चली जाती है गाड़ी की, क्रैश आपका उनको रिपोर्ट चली जाती है कि गाड़ी क्रैश हुई है या जिस गाड़ी ख़राब हो गई है। और ये सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम हम RAV4 ट्राई कर रहे हैं। ये जी एक और फीचर इसके अंदर ने दिया है, पता नहीं ये कौन सा फीचर है, बड़ा मज़े का फीचर है वासिफ भाई। ये बैक कैमरा ऑन हो जाता है, अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये बैक कैमरा ऑन हो जाता है। वाह यार अच्छी गाड़ी है यार, ये बेटर है, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कई बार आपको रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, मे बी हाई बीम की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, तो इसमें ये काफी हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल। और बड़ी क्लियर इसकी पिक्चर है, मतलब आप अभी मोबाइल में तो नजर नहीं आ रही, बिकॉज मोबाइल जूम नहीं कर पा रहा उसको। हाँ, बिल्कुल। सही, लेकिन ये है कि बड़ी अच्छी, हाँ क्वालिटी बड़ी अच्छी है यार। 50,000 की गाड़ी है, $50,000 की, तो वर्थ इट है मेरा ख्याल है, वर्थ इट है, क्योंकि अगर इसको देखें अंदर कैबिन, ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, इसका कैबिन भी इसका स्ट्रॉन्ग, हाँ बिल्ड भी अच्छी है टोयोटा यार। फिर जी दोस्तों, तो बस इस तरह वर्कआउट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, बस उन्हें बताना है कि हमने गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी है, आप ले जाएं 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स, आप ड्राइव करें गाड़ी को, आपको पसंद आती है तो आप परचेज करें, अगर नहीं पसंद आती तो आप उनको कहें मुझे कोई और गाड़ी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप घर से दही वगैरह लेने जाना है तो वो भी, हाँ दही सही भी आपने लेने जाना है तो आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके आप दोबारा दही लेने, क्योंकि आप बहुत वेले हैं ना, बहुत तेज हो रहे हैं। वासिफ भाई आपकी तो जॉब नहीं है, आप वेले आप कर सकते हैं, तो ये वेले बंदे ऐसे काम कर सकते हैं, हर शोरूम पे जाएं गाड़ी लें चेक करें, और कुछ लोग करते भी हैं शौक के तौर पे लोग ये करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बात करने से पता चल जाता है उन्हें कि ये बंदा गाड़ी लेने आया है या फिर सिर्फ चस्के लेने आया है। अच्छा, तो हर बंदा आपको गाड़ी इस तरह हैंड ओवर नहीं करता टेस्ट के लिए, आपको थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है तो फिर आपको गाड़ी देते हैं। चले वासिफ भाई मेरा ख्याल है वापस चलें, हाँ हमें वापस चलना चाहिए, आप देखते हैं जाके उनसे बात करते हैं, डील करते हैं कि क्या चक्कर है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, वासिफ भाई क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद वो गाड़ी भी जो हमने देखी थी, एक तो हमें जल्दी जल्दी में शायद देखी थी तो हम उसको एंजॉय भी नहीं कर सके, लेकिन अच्छी थी गाड़ी। CHR मुझे भी पर्सनली पसंद आई थी, वैसे गाड़ी अच्छी थी, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको CHR से, इसकी पिक वगैरह को, तो वो इससे बेटर है, एंड कैमरी
वापस घर की तरफ। बासित भाई को गाड़ी पसंद आ गई है रैव 4, और रैव 4 का जो बुकिंग टाइम है वो है 12 मंथ से 24 मंथ तक ये मिलेगी। अभी हम इंशाल्लाह चेक करेंगे दूसरे शोरूम पे, अगर हमें वो यूज़ में मिल गई अच्छी गाड़ी तो हम ले लेंगे, अदरवाइज हम न्यू बुक करवा देंगे। पैसे ऑलमोस्ट इतना डिफरेंस नहीं होता, बात ये है कि गाड़ी फ़ौरन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बासित भाई अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं। बासित भाई भी कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं आप? मैं मैज़्दा 3 यूज़ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब सेल करने लगे हैं वो? मैज़्दा 3 आज इंशाल्लाह मैं सेल करूंगा। अच्छा अच्छा, आज क्विक सेल हो जाती है यहाँ पे, तो गाड़ियाँ ऑनलाइन लगाएं आप, फ़ौरन सेल हो जाती हैं, और अगर आपकी गाड़ी अच्छी है तो फ़ौरन निकल जाती है। हाँ नहीं, बस इंशाल्लाह अब हम रैव 4 लेंगे, और बस अब हम घर की तरफ चलते हैं। चलें जी घर की तरफ चलते हैं, मेरी छोटी सी प्रिंसेस खड़ी हुई है, इस प्रिंसेस के साथ अब हम वापस घर की तरफ चलते हैं वासित भाई, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। 2 hours later तो अब ये कैमरी SL है, और ये साथ ही मेरी गाड़ी खड़ी है, ये कैमरी सादी कैमरी हाइब्रिड, ये बेचारी शरीफ सी गाड़ी। लेकिन एक सेकेंड, प्राइस देखी जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। मेरी गाड़ी और ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो सेम ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वो SL में आ जाती है, सिंपल SL हाइब्रिड है। मैंने भी लेदर सीट्स करवाई हुई हैं, और देख सकते हैं आप इंटीरियर मेरी भी गाड़ी का बिल्कुल साफ़ है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो जी हाँ दोस्तों, अब दो कैमरीज हो गई हैं हमारे पास, और अब रेसिंग होगी इसके ऊपर, देखेंगे फिर इस कौन जीतता है। बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो हमने बाइक ये है कैमरी SL कैमरी 21। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारी और बहुत क्लीन गाड़ी है ये, और ये बाय की है बासित भाई ने $45,000 की। $45,000 की ये हम लोगों को कार पड़ी है, और इस कार का मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ क्विकली, ये कार कितनी क्लीन है। कैमरी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है SL, और अगेन 2.5 इसका इंजन है, और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, इसका मीटर और स्क्रीन इसकी। अच्छा ये लेदर इंटीरियर है, और मुझे जो सबसे चीज़ इसके अंदर प्यारी लगी है वो ये है कि इसकी सामने यहाँ पे मिरर के ऊपर यहाँ पे इसका जो है वो स्पीडोमीटर आता है। अभी तो नहीं आएगा बिकॉज़ ये गाड़ी चल नहीं रही है, बट दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इसकी बहुत अच्छी लगी है मुझे, वो है ये सनरूफ इसका बहुत प्यारा लगता है कैमरी का, और ये हम देखते हैं आसमान बहुत प्यारा लग रहा है बाय द वे आज। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो ये थी जी $45,000 की कैमरी, बासित भाई को मुबारक हो और अल्लाह ताला नसीब करे। अब इसके सामने अगर देखा जाए तो मेरी गाड़ी खड़ी, और ये खड़ा हुआ मेरा बाइक यामाहा R3, और ये भी बिल्कुल प्रिटी न्यू कंडीशन में है। सो दिस इज़ हाउ वी लिव इन द लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दो कैमरीज, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको अपग्रेड करेंगे और देखेंगे वेयर वी गो। तो प्रिटी मच दिस इज़ अबाउट टुडे। कैसा लगा आपको मेरा वीलॉग, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भाई को बताइएगा, फर्स्ट टाइम वीलॉग कर रहा हूँ, और आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के अगर आप करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में।